अब इबादत और ये खुशबूदार धुआं तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम शहजादी की ताकत का गलत अंदाजा लगा रहे हो। क्यों कर सिर्फ जो सुना था उससे ज्यादा खूबसूरत हो। आप लोग फारस के दुश्मनों के लिए छुपकर हथियार बनाते हैं, बताइए कहाँ बनते हैं? हमारे यहाँ कोई हथियार नहीं है, और सचमुच होते तो आप यहाँ नहीं आ पाते। हमारे जासूस की खबर पक्की है, बता दो और तकलीफ से बचो। दुनिया भर की तकलीफ देकर भी आप वो नहीं ढूंढ सकते जो है ही नहीं। बहुत ही समझदारी से जवाब दिया है आपने शहजादी। फारस का होने वाला सुल्तान आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। मैं मरना पसंद करूंगी। उसका भी इंतजाम कर देते हैं। शहजादे टास, मुझसे वादा कीजिए कि आप अलमत की आवाम के साथ रहमत से पेश आएंगे। देखो फारस का शेर! फारस का शेर! ये लोग तुम्हें फारस का शेर बुला रहे हैं। हुक्म न मानना तुम्हारी फितरत में है दास्तान। मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूं दास भाईजान। नहीं, ये जश्न मनाने का वक्त है, पर एक रिवायत है। क्योंकि जंग में तुमने पहला वार किया है तो हम तुमसे एक तोहफे के हकदार हैं। क्या खूबसूरत खंजर है! इसने तुम्हें ये शहर और इसकी शहजादी जीत कर दी। इससे बड़ा तोहफा और क्या सकता है? आप ठीक कहते हैं। अभी अभी आपके लिए पैगाम आया है मेरे शहजादे। खुशखबरी है, आपके वालिद पूर्वी किले में अपनी इबादत रोक कर हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। यकीनन हमारी फतेह पर मुबारकबाद देने के लिए। हमें इशारे मिले थे कि अलमत हमारे दुश्मनों को हथियार दे रहा है। इशारे? हमारी फौज के साथ एक पाक शहर को हथियाने के लिए ये इशारे काफी नहीं है तस। ये जबरदस्ती हमारे वफादार मुल्कों को पसंद नहीं आएगी, समझे? और शायद तुमने इस बारे में सोचा ही नहीं। अपने चाचा की तरफ देखना बंद करो लड़के। हर फैसला और उसके अंजाम की जिम्मेदारी हमारी है बजान। हम जानते हैं तुम सुल्तान बनने के लिए उतावले हो, मगर तुम अभी तक ताज संभालने के लायक नहीं हो। आपसे बेहतर कौन?